राजस्थान कोटा, जहां कोटा के एक अस्पताल में एक पिता को अपने बेटे के इलाज के लिए स्कूटी से तीसरी मंजिल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तस्वीरें आपको दिखाने पहले देख लीजिए। दरअसल बेटे के पैर में चोट लगी थी, वो चल नहीं सकता, लेकिन अस्पताल में व्हीलचेयर नहीं था, लिहाजा पिता ने बेटे को स्कूटी पर बिठा लिया और स्कूटी समेत लिफ्ट में दाखिल हो गया और तीसरी मंजिल तक स्कूटी पर सवार होकर जा पहुंचा। ये तस्वीर देखकर थ्री इडियट्स फिल्म की याद भी आ जाती है। आपने देखा होगा अस्पताल में आमिर खान कैसे लेकर पहुंच जाते हैं पेशेंट को। लेकिन सवाल यह है कि हालात ऐसे क्यों बने कि एक पिता को नियम तोड़ना पड़ा और स्कूटी के साथ लिफ्ट और अस्पताल में घुसना पड़ा। अस्पताल पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहां पर स्ट्रेचर नहीं था, व्हील चेयर नहीं था और इस पिता को मजबूर होकर स्कूटी पर बिठाकर अपने बेटे को लिफ्ट के जरिए स्कूटी में सवार कराकर तीसरी मंजिल पर जाना पड़ा। अब दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ इसकी आलोचना हो रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, दूसरी तरफ लोग समर्थन में भी हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए था। पिता किस तरह से लेकर जाता अपने बेटे को, क्योंकि उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, ये तस्वीरें दिख रही हैं, चोटिल है, वो जा नहीं सकता, चल नहीं सकता। चलिए इस पर अपडेट लेते हैं, जयकिशन का रुख करते हैं। हमारे साथ राजस्थान से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जयकिशन, तस्वीरें तो सब कुछ बयां कर रही हैं, क्या वाकई हॉस्पिटल में व्हील चेयर या फिर स्ट्रेचर नहीं था? अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है, किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या अभी हलचल है इसको लेकर? देखिए आशुतोष, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मामला कल गुरुवार का मामला है 1:30 बजे का, जहां जब ये वकील है पिता मनोज जैन अपने बेटे को प्लास्टर बनवाने के लेके जा रहे थे, तब वहां हॉस्पिटल में दो लोग उन्हें शुरुआत में रोकते, फिर वो कहते हैं कि वहां व्हीलचेयर अवेलेबल नहीं है, फिर बाद में वो कहते हैं कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ज्यादा आवाज नहीं करेंगे, बेटे को ले जाना संभव नहीं है पैदल तीसरी मंजिल तक, और तो जो वार्ड है MBS हॉस्पिटल के अंदर। फिर वहां वो पहुंचते और जैसे ही प्लास्टर करा के वहां से निकल रहे होते हैं, इतने में वहां के जो वार्ड के इंचार्ज है वो उन्हें रोक लेते हैं और फिर थोड़ा सा आपस में खींचातान होती है, बातचीत चलती है और गर्मा गर्मी हो जाती है। उसके बाद तो लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर कैसे एक पिता अपने बेटे के इलाज के लिए वहां पहुंचा और आखिर ऐसी क्या मजबूरियां रही। ये बात प्रशासन ने भी मानी है कि हॉस्पिटल में व्हील चेयर्स की कमी थी, लेकिन आशुतोष आपको बताऊं, ये एक छोटा सा प्रतिबिंब है राजस्थान के मेडिकल हेल्थ सिस्टम का। कभी सरकारी अस्पतालों में कुत्ते घुस जाते हैं, कभी सुअर घुस जाते हैं, और जहां एक तरफ सरकार चिरंजीवी योजना की बातचीत करती है, कह रही हम सबको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं और अलग अलग बातें राइट टू हेल्थ की बिल बात करती है, लेकिन जो सरकारी ढांचा है, जो यहाँ की CHCs, PHCs और अन्य सरकारी अस्पताल है, उनकी हालत बेहद खराब है। इतने बड़े हॉस्पिटल में MBS के, जहाँ कोटा से आपको बता दूं पूरा जो हाड़ौती क्षेत्र है, वहां का जो भी गरीब तबका है, जो भी वहां का आम नागरिक है, चाहे कोटा का हो, झालावाड़ का हो, बारा का हो, बूंदी का हो, ये चार जिलों का सबसे बड़ा अस्पताल है MBS हॉस्पिटल। ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वकील पर नहीं, जो पिता पे नहीं जो अपने बेटे को ले गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन के ऊपर, हेल्थ डिपार्टमेंट पे ऊपर, सरकार के ऊपर कि यह आपका तीसरा सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है राजस्थान के अंदर और वहां आपके पास व्हीलचेयर नहीं है, तो इस पे जरूर जो है वो विचार विमर्श चल रहा है और कोटा अक्सर कोटा का अस्पताल इसी तरह खराब कारणों से सुर्खियों में रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, आप नजर बनाकर रखें इस खबर पर। तो कोटा राजस्थान की ये तस्वीरें हैं, अस्पताल में व्हीलचेयर नहीं थी, लिफ्ट में स्कूटी किस तरह से दाखिल हो जाती है, एक पिता ने अपने बेटे को तीसरी मंजिल तक वो स्कूटी के जरिए लेकर चले गए। क्या कुछ वहां पर हंगामा भी बरप रहा है, आपको हम सुनवा भी देते हैं कोटा राजस्थान की एक खबर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और जो शख्स स्कूटी लेकर पहुंचा, यानी कि पिता, उनके बयान आपको हम सुनवा देते हैं प्रतिक्रिया। मेरे पास लिफ्ट में अनिल मीना का फोन आया था कि साहब एक वकील साहब आए हुए हैं और स्कूटी लेकर के ऑर्थोपेडिक वार्ड में गए हुए हैं, तभी मैं तुरंत आया, ये वकील साहब ऊपर से नीचे आ रहे थे और नीचे आ रहे थे उस टाइम पे मैंने इनको रोका, इनकी गाड़ी की चाबी मैंने निकाली और गाड़ी की चाबी इसलिए निकाली, अगर गाड़ी की चाबी नहीं निकालता तो शायद हो सकता है कि जैसे ये गार्डों को अगर चकमा देकर के अंदर आ सकते हैं, ऐसे मुझे चकमा देकर के भी बाहर जा सकते हैं।
और इन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि हु आर यू, आई एम इन चार्ज ऑफ न्यू ओपीडी, तो आई एम, मेरी लाइबिलिटी बनती है ये कि इनको रोकना, पूछना कि आप किसके आदेश से गए किसके आदेश से नहीं गए, ये मेरी लाइबिलिटी बनती है। अगर इस तरह से अगर मैं छूट देता रहूंगा तो आम पब्लिक पूरी गाड़ियां लेके जाएगी, इस ओपीडी का क्या होगा। मेरे बेटा लवित्र जैन, उसके पैर में फ्रैक्चर था, तो जब प्लास्टर नहीं चढ़ा था तब वो उसको पैदल ले गए थे, फिर इसके बाद जब प्लास्टर चढ़ गया तो वो चलने लायक नहीं था। मैंने सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक व्हीलचेयर के बारे में पूछा, फिर नीचे आके मैंने व्हीलचेयर के बारे में सुखलाल जी और मुकेश जो स्ट्रेचर ले जाते हैं उनसे पूछा, 10 मिनट हमने इंतज़ार किया। इसके बाद सुखलाल जी ने बोला कि अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, सामान नहीं आया, व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं है। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिसकी जिससे आवाज़ नहीं आती, कोई ज़्यादा न्यूसेंस नहीं होगा, मैं बेटे को वहाँ से लेके आ सकता हूँ। उनने कहा अगर ले जा सकते हो तो लिफ्ट में व्हीकल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बेटे को ले आया, कोई दिक्कत नहीं आई। तब हमें ये देवकी नंदन जी बंसल जी मिले, मेरी उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाल ली, तब से मैं बैठा हूँ। बेहतर है कि अस्पताल में सुविधा मुहैया कराया जाए किसी भी विवाद में पड़ने के बजाय।